माँ शारदा माई के इस दरबार में सैकड़ों सालों से कर रहे हैं आला उदल आरती। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कार एक और रहस्यमय मंदिर है। उसमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसा ही एक महाकाली शारदा मैया का मंदिर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मेहर में स्थित है। आओ जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वहां पर रात में रुकना है मना। जी हाँ, वहां पर रात में अगर आप रुके तो आपकी हो जाएगी मौत। चमत्कारिक है माता का मंदिर। त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। दाएं नृसिंह और बाएं भैरव और पहरा देते हैं। यह माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 5509 में की गई थी। कपाट के बंद होने के बाद आती है मंदिरों की घंटियों की आवाज। जी हाँ, मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आती है, पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं माँ के भक्त अल्लाह अभी भी पूजा करने आते हैं, अक्सर सुबह की आरती में वही करते हैं। आज भी अल्लाह करते हैं पहले श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में अभी भी अल्लाह माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँच जाते हैं। मेहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार अल्लाह ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई हमें दिखने को मिलता है। कौन है आला और उदल? आइए जानते हैं। आला और उदल दो भाई थे। वह बुंदेलखंड के मोहबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। दोनों भाई माता शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी और अंतिम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ा। कहते हैं इस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हो गया। गुरु गोरखनाथ के आदेश से अल्लाह ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया, लेकिन इसके पश्चात अल्लाह के मन में वैराग्य आ गया और वे माता की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपनी शीश चढ़ाकर माता से अमरता का वरदान प्राप्त किया। इस मंदिर में रात में रुकना है मना। जी हाँ, अगर आप रात में रुके तो आपकी हो जाएगी मौत। मान्यता है जो भी इस मंदिर और इसके परिसर में रात को रुकता है सुबह तक उसकी मौत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर शाम को 8 बजे के बाद गर्भगृह सहित मंदिर के द्वार और परिसर के सभी ताले लगाकर पुजारी सहित सभी कर्मचारी पहाड़ी के नीचे चले जाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैं फिर से मिलूंगी इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।